ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ किडनी में सूजन कम करने की सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में। किडनी में सूजन आ गई है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं किडनी में सूजन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति को किडनी में सूजन आ जाती है। तो सबसे पहला है किडनी स्टोन, किडनी में पत्थर बन जाना, ब्लड क्लोथ, खून का थक्का बन जाना, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, इनलार्ज प्रोस्टेट, फिर आता है ट्यूमर इन यूट्रल यानी कि यूरिटर में जो है वो ट्यूमर हो जाने पर, नैरो ऑफ यूरिटर, ठीक है। तो इन सभी कारण की वजह से जो है वो किसी भी व्यक्ति को किडनी में सूजन आ जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा सा सूजन के बारे में भी जान लेते हैं, इन्फ्लाम्ड किडनी जो है वो कैसा दिखता है। तो देखिए नॉर्मल किडनी जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मल व्यक्ति की जो किडनी होती है जिन्हें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन नहीं आई हुई होती है उनका किडनी जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं कि किडनी यहाँ पे इन्फ्लाम्ड नहीं है, पर जो इन्फ्लाम्ड किडनी होती है जिसमें सूजन आई हुई होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन जो है वो आई हुई है। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं लक्षण के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं अगर किडनी में सूजन आ गई है तो। एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होना, नौसिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, ब्लेडर नॉट इम्प्टी मतलब कि ब्लेडर का खाली नहीं पड़ना, पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब करते समय जलन व दर्द महसूस होना, तो ये इसके कुछ कॉमन लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम जानने वाले हैं डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में, क्या क्या टेस्ट की मदद से जो है वो हम सूजन का पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ब्लड टेस्ट। जी हाँ, ब्लड टेस्ट की हेल्प से जो है वो किडनी के सूजन का पता लगाया जाता है। फिर आता है हमारा अल्ट्रासाउंड टेस्ट। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से किडनी में सूजन आई है या फिर से नहीं उसका पता लगाया जाता है। और नेक्स्ट टेस्ट हमारी जो है वो किडनी बायोपेसी टेस्ट है, और ये एक डिवाइस होती है जो कि किडनी वाले स्थान पे इंजेक्ट किया जाता है। देन फिर इस डिवाइस की मदद से जो है ना वो किडनी के सूजन का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जान लिया कि किन कारणों की वजह से किडनी में सूजन आ जाती है, क्या क्या सिम्टम्स लक्षण देखे जाते हैं, और कौन कौन सी ऐसी टेस्ट है जो कि किडनी के सूजन का पता लगाने में मदद करती है। अब फ्रेंड्स हम जानने वाले दवाइयों के बारे में, किन दवाइयों का इस्तेमाल करके किडनी के सूजन का इलाज किया जाता है, सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन टैबलेट है, और ये 250 mg में आती है। वहीं पर नेक्स्ट दवाई हमारी फ्यूरोसामाइड टैबलेट है, और ये एक डायुरेटिक क्लास की मेडिसिन है। डायुरेटिक क्लास की मेडिसिन का यूज़ हम पेशाब की प्रॉब्लम में करते हैं, जैसे कि पेशाब रुकना, पेशाब थमना, पेशाब रुक रुक कर होना, तो उस कंडीशन में पेशाब को क्लियर करने के लिए जो है वो डायुरेटिक क्लास की मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। वहीं पर ये लैक्सिस नाम से आती है, जिसमें 40 mg जो है वो फ्यूरोसामाइड पाया जाता है, और इसका डोज 1 tablet BD आफ्टर मील जो है वो लिया जाता है। BD कहने का मतलब दिन में 2 बार, यानी कि खाना खाने के बाद इस मेडिसिन का उपयोग जो है वो आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। वहीं पर एक चीज़ का आपको याद रखना है कि अगर पेशेंट को हाइपरक्लेसमिया हो रखा है, समझ रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, तो ब्लड प्रेशर लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस कारण आपको ये मेडिसिन जो है वो नहीं
देनी है, अवॉइड करनी है। अगर पेशेंट को हाइपरकलेमिया हो गया है तो ब्लड प्रेशर लेवल जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर इस मेडिसिन को अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट दवाई हमारी डेस्लोराटिडिन टैबलेट है और ये डेस्लोनिक्स नाम से आती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पर इसका उपयोग इफ इचिंग यानी कि खुजली होने पर यूज किया जाता है, जिसका डोज 1 टैबलेट बिफोर स्लीप एंड आफ्टर मील जो है वो लिया जाता है। यानी कि 1 टैबलेट का इस्तेमाल आपको 1 दिन में जो है वो 1 बार करना है, पर खाना खाने के बाद और सोने से पहले रात में जो है वो इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन ओमी कैप्सूल है और इसमें ओमीप्राजोल पाई जाती है, जिसका उपयोग इरिटेशन यानी कि घबराहट टाइप की फील होना, बेचैनी होना, फिर आता है गैस, पेट में गैस बनना, क्या होता है ना हमारे स्टमक में HCL की प्रोडक्शन होती है, तो उसे डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए जो है वो हम ओमी कैप्सूल का या फिर से ओमीप्राजोल का यूज़ करते हैं। वहीं पे फिर आता है स्टमक अपसेट, पेट में अपचन होना, खाना नहीं पच पाना, गैस, एसिडिटी, समझ रहे, इरिटेशन, घबराहट, इन सभी समस्या को दूर करने के लिए जो है वो ओमीप्राजोल का यूज़ किया जाता है, जिसका डोज 1 कैप्सूल BD/TDS बिफोर और आफ्टर मील जो है वो लिया जाता है। यानी कि खाना खाने से पहले एवं खाना खाने के बाद जो है वो इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर BD कहने का मतलब कि दिन में 2 बार और TDS कहने का मतलब कि दिन में 3 बार जो है वो इस मेडिसिन का उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। और नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एमलोडिपिन टैबलेट है, इसका इस्तेमाल स्पेशली अगर किसी भी व्यक्ति के किडनी में सूजन आ गई है और उस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की भी समस्या, तब हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जिस मरीज को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उन्हें ये दवा जो है वो दिया जाता है। बाकी इसकी डोज के बारे में बात करें तो 1 टैबलेट OD आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद जो है वो 1 टैबलेट का इस्तेमाल आप लोग 1 दिन में 1 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट दवाई हमारी जो है वो डोमपेरिडोन टैबलेट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 5 mg में आती है। वहीं पर इसका उपयोग नौसिया, चिमचिलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, दोस्तों मैंने आपको ऊपर में ही लक्षण में बताया है कि किडनी में सूजन आने पर जो लक्षण देखे जाते हैं वो नौसिया एंड वोमिटिंग देखे जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो है ना वो डोमपेरिडोन टैबलेट दिया जाता है। बाकी इसके डोज के बारे में बात करें तो 1 टैबलेट BD/TDS आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद जो है वो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और BD कहने का मतलब कि दिन में 2 बार और TDS कहने का मतलब दिन में 3 बार, तो 1 दिन में 2 से 3 टैबलेट का इस्तेमाल आप खाना खाने के बाद इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जो कि किडनी में सूजन आ जाने पर सूजन को कम करने के लिए, सूजन का इलाज करने के लिए जो है वो इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो है वो इन दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा बिकती भी है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसी के साथ साथ इस वीडियो में जितनी भी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।